हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडोज़ 10 हो या 11 हो, उसका उसमें आप पार्टीशन कैसे बना सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीका है, तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस कैसे करना है। तो आपका विंडोज़ 10 हो या 11 हो, उसमें सर्च में आपको लिखना है पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन। पार्टीशन लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आप क्या खुल के आ चुका है, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो गाइस, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह का टेक्निकल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो गाइस देख सकते हैं, ये इस तरह का खुल के आ जाएगा आपको ओपन पे क्लिक करने के बाद। तो मेरे में ऑलरेडी क्या है ना कि पहले से पार्टीशन किया गया हुआ है। जब आप ओपन करेंगे तो बस आप में सी ड्राइव ही शो करेगा। अगर आपका न्यू पीसी होगा तो बस ओनली सी ड्राइव होगा, प्री लोडेड विंडोज़ होगा तो उस पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो चलिए, ये डिस्क मेरा खाली है, मैं इस पर ही आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। सिंपल करना है, जैसे मैंने यहाँ किया वो उसी तरह आपको सी ड्राइव पे क्लिक करना है। तो आपको जितना भी सी ड्राइव के लिए छोड़ना होगा छोड़ देना है। सपोज आपका 512 GB SSD है या हार्ड डिस्क है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 500 है तो उसमें 350 बना लेना है आपको, 150 GB छोड़ लेना है, या फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितनी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ 100 GB बना लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं बस आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनलोकेटेड है, ये अभी बना नहीं है, जब तक इसे पूरा फिनिश नहीं होगा ये बनेगा नहीं, माई कंप्यूटर में ये शो नहीं करेगा जब तक। तो देख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। उसके बाद ये मैसेज आपके पीसी में नहीं आएगा, मेरे मेरे पीसी में ऑलरेडी बना हुआ है इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। तो चलते हैं माई माई कंप्यूटर में और देखते हैं कि पहले तो 3 पार्टीशन था, आप चाहे देख सकते हैं 400 करने लगा है ये। वैसे इतना टाइम नहीं लेता, पीसी थोड़ा स्लो होने के कारण ये टाइम ले रहा है, नहीं तो 1 से 1.5 मिनट का वर्क है ये। तो देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम बन के आ चुका है, न्यू वॉल्यूम G बन गया है ये, तो ये पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।